Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. तो friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेजवान मैक्रोनी पास्ता. आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिलीशियस ये लग रहा है. बनाने में भी बहुत ही इजी है. एक बार इसकी पूरी रेसिपी एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि आप इतना सिंपली घर में इस नाश्ते को बना सकते हैं. वेजीज भी खूब सारी डाली हैं तो हेल्दी भी है. तो झटपट से बनाकर तैयार कीजिए मैक्रोनी पास्ता जो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर कॉन्टेस्ट चल रहा है गिव अवे, उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस. कौन सा लिंक है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जरूर चेकआउट करें और गिव अवे के पूरे रूल्स जान लें. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए. उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें. वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है. आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं. तो स्टार्ट करें हमारा आज के वीडियो. टेस्टी टेस्टी मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे. तो मैंने यहाँ पर एक कुकर रख दिया था जिसमें पानी बॉईल करने रख दिया है. पानी अच्छे से जब बॉईल हो जाए तब इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ताकि आपकी मैक्रोनी स्टिकी ना बने. उसके बाद ऐड कर दीजिए ये मैक्रोनी. बीच बीच में इसे इस तरीके से स्टर करते रहिए. तो मैं इसको चला रही हूँ लगभग 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी कुछ इस टाइप से फूल जाती है, मींस अपने साइज में डबल हो जाती है. तब आपको इसे चेक करना है कि मैक्रोनी अच्छे से गली है या नहीं, मींस अच्छे से पक गई है या नहीं. तो इसके लिए आप हल्का सा इस तरीके से मैक्रोनी लीजिए और आप देख सकते हैं इजीली ये नेल से टूट रही है. इट मींस कि मैक्रोनी अच्छे से पक चुकी है. तो मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है और इसको एक बार ठंडे पानी से वॉश करके रख लिया है. जब आप मैक्रोनी बनाने जाएंगे तब आप देखेंगे थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है. तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस मैक्रोनी को एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेना है. तो ये मैक्रोनी अगेन इसी तरीके से खिली खिली सी हो जाएगी, मींस ये मैक्रोनी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी. तो हमने यहाँ पर एक साइड में रख दी है मैक्रोनी. तब तक हम इसमें ऐड करने वाली वेजीज कट कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च, इसको डिसीडेट कर दिया है. उसके बाद इस तरीके से लंबे लंबे स्टेप्स में कट कर लिया है. लाइकवाइज प्याज को भी पील करने के बाद इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए. चॉप मत कीजिए, कुछ इस टाइप के स्लाइसेस में कट कीजिए क्योंकि जब ये स्लाइसेस मुंह में आते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं. साथ ही में थोड़ी सी गाजर भी चॉप कर ली है कुछ इस तरीके से. ये सब हमारी वेजेस रेडी हो गई हैं. तो अब जल्दी से करते हैं इनको फ्राई. इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, साथ में ऐड किया है प्याज, उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट. इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है. आप देख सकते हैं जब प्याज हल्की हल्की सी फ्राई हो जाए उस स्टेज पर आपको इसमें ऐड करनी है गाजर. गाजर को ऐड करने के बाद लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कीजिए क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है. और लास्ट में ऐड कर दीजिए शिमला मिर्च, इसको भी इसी तरीके से फ्राई कीजिए. आप देख सकते हैं कि सारी वेजीज अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं. आप चाहें तो यहाँ पर और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, इट्स फॉर योर चॉइस. उसके बाद ये मैक्रोनी जिसको मैंने एक बार और पानी से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग अलग हो रहा है. इसमें ऐड कीजिए ब्लैक पेपर, मींस काली मिर्च को कूट कर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है. साथ में इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा सोया सॉस. तो केवल एक स्पून सोया सॉस ऐड कीजिए. उसके बाद ऐड कीजिए विनेगर, मींस सिरका. तो मैं यहाँ पर 2 स्पून सिरका ऐड कर रही हूँ. अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो केवल एक स्पून ही ऐड करें. उसके बाद ऐड कीजिए लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और बस इन सब चीजों को कर दीजिए अच्छे से मिक्स. तो आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी बिल्कुल एक एक दाना चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही यमी लग रहा है. जब ये सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तब यहाँ पर बात आती है ट्विस्ट की. तो ट्विस्ट हम क्या देने वाले हैं इस मैक्रोनी में, हम यहाँ पर ऐड करेंगे शेजवान चटनी. ये जो शेजवान चटनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मैंने आपको अपने वीडियो में बनाना बताया भी है. अगर आपने उसकी रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट जरूर करें. इस शेजवान सॉस को आप घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं. मार्केट में 80-90 रुपीस की इतनी सी शीशी मिलती है, घर में 20-30 रुपए में इतनी अच्छी शेजवान चटनी बन जाती है. और चटनी डालने के बाद लुक तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा टेम्पटिंग लुक इस मैक्रोनी में आ चुका है. बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनी है. तो बस गर्मा गर्म इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म. इसमें आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट नो नीड क्योंकि आपने शेजवान चटनी ऐड कर दी है. इसी में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगेगा और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग ही रहा है. बस इसको सर्व कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए. आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें.
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।